अभी के अभी अगर तूने वो पिक्चर डिलीट नहीं की ना तो सीधा जेल में डाल दूंगा। स्नेहा से ऐसा घिनौना काम करवाने और एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में बहुत लंबी सजा होगी और कोई दौलत तुझे इस जुर्म से बचा नहीं पाएगी। अतर तुम जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है और मुझ पर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता हूं, समझे तुम? अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे गोदावरी की इज्जत की चिंता थी, लेकिन अब तो मैं जान चुका हूं सारी फोटोग्राफ्स तो तेरे बॉस हैं। अभी के अभी तूने वो फोटोग्राफ डिलीट नहीं की ना तो मेरे लोग तुझे हिरासत में लेके नंगा करके पट्टे से मारेंगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारे हुक्म के सिक्के ने तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है। पट आया तो तुम फोटोग्राफ डिलीट करोगे और चित आया तो फोटोग्राफ्स तो तुम ही डिलीट करोगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कर रहा हूं फोटोज डिलीट, मैं कर रहा हूं डिलीट। कर रहा हूं ये हो गई। क्या हुआ, एकनाथ इंडस्ट्री के मालिक के पास दूसरा 1,00,000 का फोन खरीदने के पैसे नहीं है क्या? ये फोन तो तुम्हें मिलने से रहा था। शुक्र मनाओ कि स्नेहा भाग गई, वरना उसके बयान के बाद तुम्हें जेल से कोई निकाल नहीं सकता था। स्नेहा भागी? स्नेहा भागी मतलब मैंने झूठ बोला भाऊ? क्या लगा तुम्हें शान पत्ती सिर्फ तुम्हें आती है? जिस दाव पेज पे तुम खुद को माहिर समझते हो ना, उस दाव पेज का मैं बाप हूं। अर्थात बापट। निकलो। अब तुम पूछोगे थप्पड़ किस लिए? अपनी भांजी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। और दोबारा मुझसे मुकाबला करना हो ना तो मर्द बन गया ना, एक बच्ची के दामन के पीछे छुपके नहीं। आउट। तुम्हारे भाई ने अपनी ही भांजी की अश्लील तस्वीरें लोगों के सामने लाने की धमकी दी है। भाई शर्म आनी चाहिए आपको, अपने मुंह से इतनी गंदी बात बोलते हुए आपके होंठ नहीं कांपे? हाँ, अरे खून का रिश्ता है उन दोनों के बीच में, और एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसी हो तू पल्लवी, आंखें खोलो। अथर्व के लिए कोई भी रिश्ता अपने मतलब से बड़ा नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर सकता है। माई मैं सब समझ रही हूँ, अभी मेरा भाई श्रीमंत हो गया ना, इसलिए आप माँ बेटी मिलकर मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे जलते हैं आप लोग उससे, जलते हैं। पल्लवी ऐसे आदमी की क्या बदनामी जिसका कोई नाम ही ना हो, सुनकर धक्का तो हमें भी लगा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे भाई से गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो झूठे इल्जाम माई ने मेरे भाई पर लगाए वो सब सच है। चलो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन आओ साहब, सारे फसाद की जड़ कौन है? कल्याणी। गोदा को लैपटॉप किसने दिया? कल्याणी ने। ये सब गंदी बातें मेरी बच्ची को किसने सिखाई? कल्याणी ने। वो लड़का क्या नाम है उसका, राहुल, वो किसके कॉलेज में पढ़ता है? सर कल्याणी के। तो जिसकी खुद की बेटी इतनी गिरी हुई है वो दूसरों पर क्या उंगली उठाएगी साहब, बताइए ना। हाँ साहब। पल्लवी, अनुप्रिया, लेकिन आओ साहब, पल्लवी गलत क्या बोल रही है? सही तो कह रही है ये, हमारी सीधी सादी गोदावरी कल्याणी की वजह से बिगड़ गई है। लोग हैं आप,
कल्याणी भी बच्ची है, उसकी अच्छाई नहीं दिखती तुम्हें कभी, उसका साफ मन कभी दिखाई नहीं देता, हर वक्त मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तैयार ही रहते हैं। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, आज उसी बच्ची की वजह से हमारे सर पर छत है। देखो हम मानते हैं कि इस बार अथर्व का दोष है, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि कल्याणी का इस घर के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विवेक, आज ही गोदावरी के लिए कोई अच्छे वसती गृह का प्रबंध करो। गोदावरी को कल्याणी से दूर रहना होगा। लेकिन अवसर, पूर्ण विराम। कैसे आई? मैं लेकर आई। दिल थाम के बैठो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तड़कती भड़कती खबर है। क्या करने गई थी तुम स्नेहा के घर? सब्र रखो संपदा। ये करने गई थी मैं स्नेहा के घर? नहीं, वो एक्चुअली ये सब झूठ है। एसीपी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने उन पे झूठा इल्जाम लगाया था। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ, वीडियो तो मैं सेंड कर चुकी हूँ। तुम काफी लेट हो। संपदा, अथर्व बौखलाया हुआ है। मैं कह रही हूँ तुमसे, अब भी वक्त है। सोच लो, ज्यादा देर नहीं हुई। मल्हार जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, पिल्लू की जिंदगी से दूर चली जाओ, हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाओ संपदा। वरना क्या, तुम और मल्हार ये जो घर घर खेल रहे हो ना, ये साफ झूठ है। सच तो ये है कि मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। लेकिन अब उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई है और मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी कल्याण। छूकर तो दिखाओ पिल्लू को। मेरे पिल्लू को मुझसे दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है संपदा। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी। चलो कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। एक मिनट। ताई मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम, ताई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ताई अगर आपको लगता है कि आपका अथर्व ऐसा कुछ कर सकता है तो यही हाथ लो ताई और गला दबा दो। ताई ताई मार दो। अथर्व क्या कर रहा है? अथर्व संभालो अपने आप को, मेरा भला कर तू। हाँ संभालो अपने आप को, उठो उठो। नहीं अथर्व उठो। ताई मैंने नहीं किया है ताई। अथर्व तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम पर ऐसा इल्जाम लगा सकती हूँ? हाँ नहीं ना। अथर्व मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है। ये लोग चाहे जो भी बोले मुझे भरोसा है और मुझे पता है कि ये लोग ना तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और माई आप तो इस वाड़ी की माई हो ना। सब माई माँ मानते हैं आपको। एक बच्चे पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर आपको अच्छा लग रहा है? आज आपके इस इल्जाम लगाने की वजह से ना लोगों का, इस दुनिया का माँ शब्बर से विश्वास ही उठ जाए। ये नाटक करना बंद करो अथर्व। इतनी सफाई से तुम कैसे झूठ बोल लेते हो? लेकिन एक बात याद रखो, अपनी बहन को तो तुम बेवकूफ बना लोगे, लेकिन ऊपर जो बाप्पा बैठा है ना उसे बेवकूफ बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो सब देख रहा है। ठीक है माई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आंसू झूठ है, ये दर्द झूठ है, ये तकलीफ जो मुझे हो रही है सब झूठ है माई। लेकिन गोदा, इसे बचपन से मैंने अपने हाथों में खिलाया, बड़ा होते देखा उस, जी भाई
भाई मुझ पर अनुप्रिया से दूर रहो। संपदा दीदी, कल्याणी, संपदा दीदी, ऐसे कैसे मैं अकेले जल के मर जाऊंगी? मैं मरूंगी तो अपनी बड़ी बहन के साथ जल के मरूंगी। कल्याणी छोड़ दो मुझे, कल्याणी दूर हटो। अरे खुद की बाजी खुद पे ही भारी पड़ गई आपको, इतनी डरपोक कैसे हो सकते हो यार तुम? अरे लाइटर जलाओ ना, लाइटर जलाओ ना। यार तुम लोग इतना दारू कैसे पी रहे हो, कितनी गंदी स्मेल आती है। देखो तुम, देखो क्या पिल्लू चाहिए तुम्हें? हाँ शादी में आई हो क्या? पिल्लू को मैं मोक्ष, पिल्लू सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ मोक्ष। मैं अपने बच्चे को हासिल करने के लिए सबसे बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, समझी तुम? अच्छा, और क्या कहोगी कोर्ट जाके? देखो देखो मेरा कैरेक्टर देखो, मैं अपने पति को छोड़ के अपने लवर के साथ भाग गई, और मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि उसके पापा तो बदलते रहेंगे, आज ये कल वो परसों वो परसों वो, क्योंकि रिश्ते निभाने का पैटर्न तो मेरा यही है। हाँ ये कहोगी तुम कोर्ट जाकर संपदा? अगली बार मेरे और मल्हार जी के रिश्ते के बारे में कुछ कहने से पहले ना अपने और अथर्व के रिश्ते का कोई नाम ढूंढने का संपदा। मुझे भी लगता है कि अथर्व ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मेरी बेटी ही उसे ऐसा कदम उठाने ही नहीं देती। कैसे समझाओ तुम लोगों को? ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? हाँ नहीं, क्या सबूत है आपके पास और आपकी उस होनार बेटी के पास, बताओ? पल्लवी हमें अब भी लगता है कि अथर्व इस हद तक गिरने के बिल्कुल लायक है। लेकिन पूर्ण विराम, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। गोदावरी को हॉस्टल जाना ही होगा। ताही, 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 मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि इस घिनौने इल्जाम की वजह से आप और गोदा अलग हो जाओगे। मैं आज सबके सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ। मैं मेरे और अथर्व के वैवाहिक जीवन के सबूत पर एक हल्दी कुमकुम की रस्म रखना चाहती हूँ इस घर में। आसपास की सारी औरतों को निमंत्रण देना। आप सबके मन में मेरे और अथर्व के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? पर मैंने भी कभी आपको हमारे रिश्ते के बारे में कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। आप सब मुझे अथर्व की रखनी समझ रहे थे, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अथर्व की पत्नी हूं। मैं और अथर्व शादीशुदा है। आज हमारा हल्दी कुमकुम है, और जो कोई भी इस रस्म में शामिल नहीं होगा उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम होती कौन हो हम पर इस तरह हुक्म चलाने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूं। और आइंदा से मुझसे ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोचिएगा आओ साहब। मैं नहीं चाहती आओ साहब कि इस उम्र में आप और अप्पा दर दर की ठोकरे खाते फिरे। मैं अपनी बात पर अटल हूं। जो कोई भी मेरी इस रस्म में शामिल नहीं होगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने मेरे और अथर्व के रिश्ते का सबूत दे दिया है, अब मुझे मेरे मुख से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
अथर, मैं भी क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कल्याणी को जवाब देना बहुत जरूरी था। अब दोनों के रिश्ते के बारे में जो लोग अनाप शनाप बातें कर रहे, मैं और नहीं सुन सकती। अथर संपदा, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों का काम है ना कहना, कहने दो ना। लेकिन ये हल्दी कुमकुम की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें लोगों के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे चरित्र पर सवाल उठ रहा है। ओ, तुम्हें समझ में नहीं आता, शादी नहीं हुई है ना, नहीं हुई है ना शादी, तो हल्दी कुमकुम करने की जरूरत ही नहीं थी। अथर, अथर, हम एक काम करते हैं, हम ना शादी शादी करने का नाटक करते हैं। इतने सारे पैसे हमारे पास, थोड़े पैसे खर्च करके वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और वैसे भी मेरे बच्चे को पाने का अगर ये एक ही तरीका है तो मुझे ये करना ही होगा। मुक्ता के बारे में तो कोई, मुक्ता के बारे में कोई जानता ही नहीं है। अथर, हम कर लेते ना अथर। और मुग्धा वाली बात बाहर आ गई तो, हम फंस गए तो क्या करेंगे हम? अथर, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना आता, अपने आप को मुसीबत से दूर रख रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मेरी भावनाओं का क्या, मेरे बच्चे के लिए मैं तरस रही हूँ उसका क्या अतर? और जो जो लोग मेरे और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं उसका क्या? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते आए हो, जैसे तुमने अपनी भांजी का किया। पिल्लू, मल्हार जी ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कम से कम फोन तो उठा सकते थे ना वो मेरा। अब तू ही सोच, अगर मैंने कांस्टेबल पवार को फोन नहीं किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पर तेरे बाबा को अब कौन समझाएगा? वैसे पता है तुझे, तेरे बाबा ना सच में ग्रेट है। तू बहुत लकी है कि मल्हार जी तेरे बाबा है। ऐसी कुर्बानी कौन देता है यार, किसी और के लिए, गोदावरी की इज्जत बचाने के लिए वो अपना करियर, अपना नाम, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार हो गए। मल्हार जी ग्रेट है। बांध काम हो गया तुम्हारा? बांध काम मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना, मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। वही समझ लो, जिस तरह से तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी, हो गया। अगर हो गया हो तो ये खा लेना बर्गर, तुम्हें पसंद है ना? बलार जी, आपको याद था? मुझे याद है, मैंने सिर्फ एक बार बातों में आपको बताया था कि मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है। आपको आपको अभी तक याद है? हाँ, बादाम जो रोज खाता हूँ, याददाश्त दुरुस्त रहती है मेरी। फिलहाल तुम बर्गर खा लो, वैसे भी व्रत के बाद तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं। हाँ, अरे यहाँ के चक्कर में ना मैं तो भूल ही गई कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरा व्रत था। मैं चाके खाती। वैसे मल्हार जी, आपके थैंक यू बोलने का तरीका ना मुझे बड़ा पसंद आया। आप ऐसे, आपको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, और पत्नी का अपने पति की रक्षा करना तो कर्तव्य। अगर नहीं बोला जा रहा तो जिम्मेदारी ले लो। नहीं नहीं, कर्तव्य जिम्मेदारी एक ही मतलब होता है। मल्हार जी, बातें कर करके, पटक पटक कर करके हो गया हो तो खा लो। वैसे आज जो तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू।